एक काफी सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में काफी सुंदर से पक्षी भी रहा करते थे। टूनी चिड़िया, कालू कौआ, मिट्टू तोता और बुलबुल, ये सारे पक्षी आपस में बहुत ही प्यार से रहते थे। सारे पक्षी टूनी चिड़िया की बहुत ही इज्जत करते थे, क्योंकि टूनी चिड़िया उन सारे पक्षियों में बहुत ही समझदार थी। अरे टूनी चिड़िया, आजकल इस जंगल में दाने की बहुत ही कमी हो रही है, हमें कुछ करना होगा। हाँ चिड़िया बहन, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरे तो दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मुझे उनको भी दाना खिलाना पड़ता है, वरना मेरे बच्चे भूखे ही रह जाएंगे। आप कुछ करिए। अच्छा मेरी दोस्तों, तुम लोग चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। हाँ चिड़िया बहन, कुछ करो जल्दी, हमसे अब बिना खाए नहीं रहा जा रहा है। फिर ऐसा कहकर चिड़िया अपने घर पर आ जाती है। मैं क्या करूं? मेरे सारे दोस्तों ने तो मुझसे ही उम्मीदें लगाई हुई हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मेरे सारे दोस्त बहुत ही भूखे हैं। अब मुझे किसी तरह भी उनको दाना लाकर देना होगा। पर मैं ऐसा क्या करूं? हाँ एक काम करती हूँ, मैं अपनी बहन कोमल चिड़िया के पास जाती हूँ और उससे जाकर कुछ दाना ले आती हूँ। उसके जंगल में तो काफी सारा दाना मिलता है, वो मेरी जरूर मदद करेगी। फिर टूनी चिड़िया अपनी बहन कोमल चिड़िया के पास जाने लगती है। फिर टूनी चिड़िया अपनी बहन कोमल चिड़िया के जंगल में आ जाती है। अरे अरे टूनी बहन, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो और इतने दिनों बाद मेरे इस जंगल में आई हो? अरे कोमल बहन, अब मैं आपको क्या बताऊं? हमारे जंगल में दाने की बहुत ही कमी हो गई है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। हमारे जंगल के सारे पक्षी बहुत ही भूखे हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? आप मुझे थोड़ा सा दाना दे दो, ताकि मैं उन दानों से अपने दोस्तों का पेट भर सकूं। मेरे सारे दोस्तों ने मुझसे ही उम्मीदें लगाई हुई हैं। अगर मैं आज उनको दाना ना दे सकी तो उनके सामने मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। अरे अरे टूनी बहन, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मेरे पास काफी सारा दाना है, मैं तुम्हें थोड़ा सा दाना दे देती हूँ। फिर कोमल चिड़िया थोड़ा सा दाना अपनी बहन टूनी चिड़िया को दे देती है और टूनी चिड़िया वो दाना खुशी खुशी लेकर अपने जंगल की तरफ जा रही होती है। अरे मेरे दोस्तों, ये देखो, मैं तुम सबके लिए दाना लेकर आई हूँ। अब हम सब भूखे नहीं रहेंगे, चलो आ जाओ जल्दी जल्दी और सब मिलकर दाना खाते हैं। फिर सारे पक्षी खुशी खुशी वो दाना खाकर अपना पेट भरते हैं। अगले दिन भी कुछ इसी तरह होता है। जंगल में दाना बिल्कुल ही खत्म हो चुका होता है, जिसकी वजह से पक्षी बहुत ही भूखे होते हैं। और चिड़िया बहन, हमें बहुत ही भूख लग रही है और हम बहुत ही भूखे हैं। क्या आप हमें कल की तरह आज भी दाना लाकर दे सकती हो? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आज भी दाना ले आती हूँ। वैसे भी मेरी बहन कोमल चिड़िया के पास काफी सारा दाना है, वो मुझे दाना देने से कभी मना नहीं करेगी। ऐसा कहकर वो चिड़िया अपनी बहन कोमल चिड़िया के पास जाने लगती है। फिर टूनी चिड़िया अपनी बहन कोमल चिड़िया के पास आती है। अरे कोमल बहन, माफ करना, मैं आज भी आपसे मदद लेने आई हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी बहन, मेरे पास काफी सारा दाना है, मैं थोड़ा सा दाना तुम्हें दे देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपने घर जा ही रही होती है कि वे देखती है कि एक पेड़ पर एक कबूतर बैठा होता है, जो काफी उदास होता है। टूनी चिड़िया उस कबूतर के पास आती है और कहती है, अरे क्या हो गया कबूतर भैया, आप इतना उदास क्यों बैठे हो? अरे क्या बताऊं चिड़िया बहन, मेरे बीवी बच्चे बहुत ही भूखे हैं, उन्हें कुछ दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं उनके लिए दाना ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे दाना बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, इसी वजह से मैं बहुत ही उदास हूँ। कबूतर की बात सुनकर उस चिड़िया के दिल में रहम आ जाता है और वह चिड़िया वो सारा दाना उस कबूतर को दे देती है।
और चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये दाना तुम्हारा मेरे ऊपर उधार है और मैं एक दिन ये सारा दाना तुम्हें वापस कर दूंगा। फिर चिड़िया उस कबूतर की मदद कर वहाँ से चली जाती है। फिर चिड़िया वहाँ से जा ही रही होती है कि चिड़िया को जमीन पर एक पिज्जे का टुकड़ा पड़ा हुआ दिखता है। चिड़िया फौरन उस पिज्जे के टुकड़े के पास आ जाती है। अरे वाह, ये चीज तो दिखने में बहुत ही मजे की लगती है, चलो इसको थोड़ा सा खाकर देखती हूँ। फिर चिड़िया थोड़ा सा पिज्जा खाने लगती है। अरे वाह, ये चीज कितनी मजेदार है, इसको तो खाने में बहुत ही मजा आ रहा है। चलो इस चीज को मैं अपने घर पर ले जाती हूँ और फिर शाम में मैं अपने दोस्तों की दावत रखूंगी। इस दावत में मैं ये सारी चीज अपने दोस्तों को खिलाऊंगी। वो चिड़िया वो पिज्जा लेकर अपने घर पर आ जाती है। चलो जल्दी से जाती हूँ और अपने दोस्तों को जाकर दावत का गे देती हूँ। फिर चिड़िया अपने दोस्तों के पास आती है और कहती है, और चिड़िया बहन, क्या हुआ, आज तुम हमारे लिए दाना लेकर नहीं आई? अरे दोस्तों, मैं आज तुम लोगों के लिए दाने से बढ़कर लेकर आई हूँ। मैं तुम लोगों के लिए एक ऐसी चीज लाई हूँ जिसको खाकर तुम लोगों को बहुत ही मजा आ जाएगा। ऐसा क्या लाई हो तुम चिड़िया बहन? मैं तो उस चीज को खाने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा हूँ। हाँ हाँ मेरे दोस्तों, शाम को मेरे घर पर तुम सबकी दावत है। तुम सारे दोस्त मेरे घर पर आ जाना, फिर मैं तुम सारे दोस्तों को वो चीज खिलाऊंगी। पर चिड़िया बहन, वो चीज हम अभी क्यों नहीं खा सकते? हमें अभी बहुत भूख लगी है। आप हमें अपने घर पर ले जाओ और वो चीज अभी खिला दो। अरे नहीं नहीं दोस्तों, मुझे अभी किसी काम से बाहर जाना है, इसी वजह से मैं शाम तक वापस आऊंगी और फिर शाम को ही हम वो चीज खा सकते हैं। ठीक है चिड़िया बहन, जब हमने इतना इंतजार कर ही लिया तो थोड़ा इंतजार और कर लेंगे। वे चिड़िया अपने काम पर निकल जाती है। लेकिन चिड़िया को ये बात नहीं पता थी कि चिड़िया के घर में जो पिज्जा रखा है वो शाम तक खराब हो जाएगा। शाम होने पर जब सारे पक्षी दावत पर आ जाते हैं तो चिड़िया कहती है, चलो दोस्तों, मैं तुम लोगों को वो चीज खिलाती हूँ जिसके लिए मैंने तुम लोगों की दावत की है। फिर चिड़िया वो पिज्जा उन पक्षियों को देती है और सारे पक्षी मिलकर वो पिज्जा खाने लगते हैं। अरे वाह वाह चिड़िया बहन, ये पिज्जा तो बहुत ही मजेदार था। हाँ हाँ चिड़िया बहन, इसको खाकर तो बहुत ही मजा आ गया। फिर शाम होने पर सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। फिर जब पक्षी आराम करने के लिए अपने घोंसलों में लेटते हैं तो अचानक उन पक्षियों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अरे ये क्या हो गया, मेरे पेट में इतना तेज दर्द कैसे शुरू हो गया? अरे मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। अरे मर गए, ये क्या हो गया, इतना दर्द क्यों शुरू हो गया मेरे पेट में? वहीं तोते की भी कुछ इसी तरह हालत होती है। अरे बाप रे बाप, मेरे पेट में इतना तेज दर्द कैसे शुरू हो गया, अब मैं क्या करूं? अरे मुझे तो लगता है उस चिड़िया ने हमें जो पिज्जा खिलाया है उस पिज्जे में ही कुछ ऐसा था जिसको खाकर हमारे पेट में दर्द शुरू हो गया। फिर अगले दिन जब सारे पक्षियों का पेट दर्द सही हो जाता है तो सारे पक्षी जमा होकर बात करते हैं। अरे भाइयों, कल हम सबके अचानक पेट में दर्द शुरू कैसे हो गया था? हाँ हाँ भाइयों, मेरे भी बहुत तेज पेट में दर्द शुरू हो गया था। अरे मुझे तो लगता है कल उस चिड़िया ने हमें जो नई चीज खिलाई उस चीज में ही कुछ ऐसा था जिसको खाकर हमारे पेटों में दर्द शुरू हो गया। अरे मुझे तो लगता है वो चिड़िया हमें दाना दे देकर थक गई है, इसीलिए उस चिड़िया ने हमारे साथ ऐसा किया। हाँ हाँ भाइयों, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो चलो फिर हम उस चिड़िया के घर पर चलते हैं और चलकर उसकी खबर लेते हैं। फिर सारे पक्षी गुस्से में उस चिड़िया के घर पर आ जाते हैं।
और चिड़िया बहन, कल तुमने हमें जो चीज खिलाई थी, तुमने उसमें ऐसा क्या मिलाया था जिसको खाकर हमारे पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया था? अरे मेरे दोस्तों, तुम लोग ये क्या कह रहे हो? मैं तुम लोगों के खानों में भला ऐसी वैसी चीज क्यों डालूंगी? तुम लोग तो मेरे इतने अच्छे दोस्त हो। हाँ चलो चलो सारे भाइयों, हम सब चलते हैं और आज के बाद कोई भी इस चिड़िया से बात नहीं करेगा। फिर सारे पक्षी गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे ये क्या कह रहे हैं, मैंने तो वो चीज खाई थी पर मेरे पेट में तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, तो फिर इन दोस्तों के पेट में दर्द कैसे हो गया? फिर अगले दिन जब तोता उड़ता हुआ जा रहा होता है तो तोते को जमीन में एक पनीर पड़ा हुआ दिखता है। तोता झट से उस पनीर के पास आ जाता है। फिर वहीं पर एक कबूतर भी आ जाता है और कबूतर तोते से कहता है, अरे तोते भाई, ये जो चीज जमीन पर पड़ी है इसको बिल्कुल भी मत खाना, क्योंकि ये चीज हमारे लिए सही नहीं है। ये चीज कितने दिनों से यहीं पर पड़ी है और ये पड़े पड़े खराब हो गई है, अगर हम इसको खाएंगे तो हमारे पेटों में दर्द शुरू हो जाएगा। फिर तोते को समझ में आ जाती है कि कल जब उस चिड़िया ने उनको वो पिज्जा दिया था तो वो पिज्जा भी शायद रखे रखे खराब हो गया था, जिसकी वजह से उस तोते के पेट में दर्द शुरू हो गया था। इतना कहकर वे कबूतर वहाँ से चला जाता है। अरे हमने उन चिड़िया बहन के साथ बहुत ही गलत किया, वो बेचारी चिड़िया बहन हमारे लिए खाने के लिए वो चीज लाई और हमने उस चिड़िया बहन के साथ इतना गलत किया। बेचारी चिड़िया बहन को क्या पता था कि वो चीज रखे रखे खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से उस चीज को खाते ही हमारे पेट में दर्द शुरू हो गया था। फिर तोता सारे पक्षियों के पास आता है और सारे पक्षियों को वो सारी बात बताने लगता है। अरे तोते भाई, ये तो हमने चिड़िया बहन के साथ बहुत ही गलत किया, चलो जल्दी से जाकर उन चिड़िया बहन से माफी मांग लेते हैं। फिर सारे पक्षी उस चिड़िया से आकर माफी मांग लेते हैं और वो चिड़िया उन सारे पक्षियों को माफ भी कर देती है। फिर अगले दिन वे कबूतर चिड़िया के पास कुछ दाना लेकर आता है और चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया बहन, ये लो इसमें कुछ चावल के दाने हैं, मैंने तुमसे कुछ दिनों पहले कुछ दानों का उधार लिया था, ये वही उधार वापस करने आया हूँ, तुम ये दाने मेरे से ले लो। इन चावलों के दाने से तुम अपनी जंगल में जाकर फसल लगा लो, जिससे तुम्हारे जंगल में अब दानों की कमी नहीं होगी। फिर वे चिड़िया वो चावल के दाने जमीन में बो देती है। कुछ दिनों के बाद फसल पक जाती है, जिससे अब उस जंगल में दाने की बिल्कुल भी कमी ना थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे किसी पर भी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए।